जलंधर लोकसभा उपचुनाव सभी दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों ने जलंधर लोकसभा उपचुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस ने भी अपनी परंपरागत सीट को हर हाल सूरत में हासिल करने की पूरी ताकत जो है झोंक दी है। और इसी कड़ी में कांग्रेस ने पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, राजेंद्र कौर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत 40 स्टार प्रचारकों की फौज जलंधर में लगाई है। तो आपको बता दें कि जलंधर लोकसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी जोरों शोरों से लगी हुई हैं। ऐसे में सभी दल के नेता कोई कोर कसर इस लोकसभा उपचुनाव में नहीं छोड़ना चाहते। और आपको बता दें इसी बीच कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जो है जारी कर दी गई है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। कांग्रेस के तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। चाहे बात हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कर ली जाए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कर ली जाए, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कर ली जाए या हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कर ली जाए, ये तमाम बड़े दिग्गज जो हैं चुनावी मैदान में स्टार प्रचारक के रूप में उतारे गए हैं। और बड़े जोरों शोरों से जो है कांग्रेस लगी हुई है। आपको बता दें कि करमजीत कौर जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में ये सभी दिग्गज जो हैं उतरे हैं, ये स्टार प्रचारक उतरे हैं। और ऐसे में हर किसी के लिए, हर पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बना हुआ है। और अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन इस सीट पर बाजी मारता है। आपको बता दें बीजेपी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, सभी लगातार जो है पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी देखा गया कि मुख्यमंत्री ने खुद जो है रोड शो किया और अपने प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान नजर आए। और ऐसे में आपको बता दें सभी पार्टियों ने पूरी ताकत इस लोकसभा उपचुनाव के लिए झोंक दी है। जलंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए जो है पूरी ताकत सभी पार्टियों द्वारा झोंक दी गई है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी जो है स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। जलंधर उपचुनाव को लेकर ये लिस्ट जो है जारी हो गई है और 40 दिग्गज जो है कांग्रेस की तरफ से उतारे गए हैं। आपको बता दें कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इसी के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मैदान में उतारे गए हैं। बड़े बड़े दिग्गज जो हैं कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारे गए हैं। कोई भी कोई कोर कसर इस चुनाव में नहीं छोड़ना चाहता। लगातार रोड शो किए जा रहे हैं। और आपको बता दें इससे पहले कांग्रेस की तरफ से विधायक जो है आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन शामिल होने के 5 दिन बाद ही वो वापस कांग्रेस में शामिल हो गए थे और आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका उससे मिला था। तो ऐसे में सभी पार्टियां आपको बता दें कि जलंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए पूरी तैयारी में जुटी हुई हैं। कांग्रेस की तरफ से भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 40 दिग्गज जो है कांग्रेस ने उतारे हैं। हिमाचल, राजस्थान के सीएम समेत सिद्धू भी जो है स्टार प्रचारक बने हुए हैं। हरियाणा और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी इस स्टार प्रचार में शामिल होंगे। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विजय वोरा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, जिस तरीके से बात कर ली जाए जलंधर लोकसभा उपचुनाव को लेकर अगर बात कर लें तो कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। किन किन के नाम इसमें शामिल है एक बार पूरी जानकारी। निशा, बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी जो करमजीत कौर चौधरी हैं उनके प्रचार के लिए जो लिस्ट जारी की गई है उसमें से सबसे पहले नंबर जो आता है हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और राजेंद्र कुमार भट्टल का नाम भी इसमें शामिल है। बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस लिस्ट में शामिल है और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत 40 जो स्टार प्रचारकों की वो जलंधर में लगाई गई है। ये कांग्रेस के हक में प्रचार करेंगे, करमजीत चौधरी को जिताने के लिए जो है प्रचार इनके कंधों पर है। निशा, विजय, अब कुछ ही समय रह गया है चुनाव होने में, ऐसे में चुनावी माहौल किस तरफ दिख रहा है? जी निशा, विजय आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी विजय, अब कुछ ही समय रह गया है चुनाव में, ऐसे में अगर चुनावी माहौल की बात कर ली जाए तो किस तरफ दिखाई दे रहा है चुनावी माहौल? बात करें तो अभी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी जीत का
निश्चित बनाने के लिए प्रचार में जुटी हुई है। सभी ने अपने आला कह सकते हैं जो नेता हैं यहाँ पे प्रचार में जुटाए हुए हैं। बात करें तो आम आदमी पार्टी की, उन्होंने भी आज जो रैली करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ पे पहुंचेंगे और अपने उम्मीदवार के इसमें प्रचार करेंगे। बहुत बड़ी रैली देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो बात करें तो कांग्रेस के भी अलग जो नेता है यहाँ पे पहुंच रहे हैं प्रचार करने के लिए, चाहे प्रताप सिंह बाजवा हो, राजा वड़िंग हो, लगातार जो है नुक्कड़ सभाएं भी जो है लगातार इनकी चल रही है। बात अकाली दल की करें तो अकाली दल के भी आला जो नेता है, मुख्यमंत्री साहब का जो अकाली दल के प्रधान मौजूदा है सुखबीर सिंह बादल, तो वो भी लगातार अकाली दल के प्रचार में जुटे हुए और लगातार जलंधर में डेरा जमाए हुए हैं। तो वही भाजपा की बात करें तो भाजपा के भी जो आला नेता है यहाँ पे मौजूद है, डिप्टी सीएम जो गुजरात के एक्स हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, विजय रूपानी और कई बीजेपी के समुची जो लीडरशिप है वो भी यहाँ पे मौजूद है। सभी ने अपनी अपनी तरफ से पूरा जो है जोर लगाया हुआ है इस जलंधर के जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसको जीतने के लिए। निशा, चलिए विजय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।